हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एयर इंडिया में जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, जॉब वैकेंसी निकला है, उसका डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से आप अप्लाई करना होगा और डिटेल्स भी क्या रहेगा इसका। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एयर इंडिया के जो ऑफिशियल करियर पेज है, मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। उसको ओपन करके यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है उसका डिटेल मैं यहाँ पे वन बाय वन जो कि आप लोगों को बताऊँगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो फर्स्ट मैं रिक्रूटमेंट बताऊँगा उसका नेम है रिक्रूटमेंट फॉर मेडिकल ऑफिसर एट मुंबई। उसके बाद यहाँ पे है पोस्ट ऑफ ऑफिसर आईआर एंड लीगल एंड ऑफिसर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट फॉर पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर एट पुणे। उसके बाद निकला हुआ है जो जॉब, इसके नाम है रिक्रूटमेंट फॉर को पायलट P2, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट एंड वर्किंग इंटरव्यू के क्रू कंट्रोलर एंड सिक्योरिटी एजेंट्स फॉर वेस्ट बंगाल एंड रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे वन बाय वन आप चेक करके उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है 29 नवंबर 2018 में, जिसका नेम है मेडिकल ऑफिसर एट मुंबई, उसका जो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है मैं यहाँ पे डाउनलोड करके उसको मैं ओपन करके उसका जो डिटेल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा और जो जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, अगर आप चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली उसको ओपन करके आपको देखना होगा कि उसका डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको क्लिक करके उसका जो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है आपको उसको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिलहाल यहाँ पे आपको मेडिकल डॉक्टर एंड फिक्स टर्म कंडीशन बेसिक एट मुंबई, जिसके लिए यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पोस्ट जो है मेडिकल डॉक्टर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लीनिंग एंड प्री और पोस्ट फ्लाइट मेडिकल एग्जामिनेशन PAME पोस्ट, जो कि इसका आपको जॉब लोकेशन रहेगा मुंबई में एंड वैकेंसी जो है 8। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए, यहाँ पे आपको MBBS डिग्री फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेफरेंस विल बी गिवेन टू कैंडिडेट ट्रेंड इन एविएशन मेडिसिन। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस मेडिकल प्रैक्टिशियन आपको चाहिए। इसके साथ साथ एज लिमिट जो है, यहाँ पे आप मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पे 62 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ क्या रहेगा उसका भी मैं यहाँ पे एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ में फर्स्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड मेडिकल फैकल्टीज टू सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉय, प्रिपेयर मेडिकल केस रिकॉर्ड्स ऑफ स्टाफ, एडवाइज मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट मॉड्यूलेशन एटसेट्रा, अटेंडेड टू इमरजेंसी एक्सीडेंट इंसिडेंट केसेस बिफोर द शिफ्टिंग देम टू द हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉन्टैक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द री एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट फॉर द रिटायरमेंट एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग वेट चेक फॉर क्रू, कॉन्ट्रैक्ट प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट मेडिसिन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एनी अदर रिलेटेड असाइनमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसके, आपको आपको यहाँ पे लिखा आफ्टर स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु इज इंटीमेटेड बाई ईमेल टू अपीयर द पर्सनल इंटरव्यू व्हिच इज हेल्ड एट मुंबई। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के थ्रू जो कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसको आपको इंटरव्यू के लोकेशन रहेगा आपको मुंबई में। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा 65,000 पर मंथ आपका सैलरी इसको रहेगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन करने के लिए इसका जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल के वेबसाइट है airindia.in, आप लोग वहाँ का मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको डाउनलोड करके आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। एड्रेस जो रहेगा आपको मैनेजर पर्सनल एयर इंडिया लिमिटेड वेस्टर्न रीजन रिक्रूटमेंट सेक्शन ग्राउंड फ्लोर टेक्निकल ब्लॉक ओल्ड एयरपोर्ट
ক্লারিনা সান্ট্রা ক্রুজ ইস্ট মুম্বাই 4-0029। আর আপ ধ্যান রাখ 26-2018 সে পেলে আপকো ইয়াঁ পে অ্যাপ্লাই করনা হোগা। তো দোস্ত লাস্ট ডেট জো হ্যা 26-2018। ইসকে সাথ সাথ ইয়াঁ পে আপকো ক্যা ক্যা রয়েগা আপ জব আপকা জো ইন্টারভিউ কে লিয়ে যায়েঙ্গে উসকে লিয়ে ইয়াঁ পে আপকো ডেট অফ বার্থ কে সার্টিফিকেট, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট, স্টেট কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড এক্সপিরিয়েন্স, ওয়ান সেট অফ ফটোকপিস আর রিলেভেন্ট সার্টিফিকেট হোয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল। ইন কেস আগার আপ এসসি এসটি ওবিসি ক্যান্ডিডেট হো তো আপকো ইয়াঁ পে কাস্ট সার্টিফিকেট আপকো লে জানা হোগা, উসকে বাদ হি আপ অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারভিউ কে লিয়ে যা সকতে। তো দোস্ত ইসকে সাথ সাথ ইয়াঁ পে অর কুছ আগার ডিটেলস হ্যা তো মেয়ে ইয়াঁ পে আপ লোগো বতা দেতা। তো দোস্ত ইয়াঁ পে অর কুছ ভি ডিটেলস তরহ কি নেই হ্যায় তো আপকো ধ্যান রাখে আপকো 26 December 2018 সে পেলে জো কি আপকো অ্যাপ্লিকেশন করনা হোগা, উসকে বাদ হি আপকো ইন্টারভিউ ডেট জো হ্যায় আপকো ইয়াঁ পে বলা যায়গা। তো দোস্ত ইয়ে তো এয়ার ইন্ডিয়া কি রিসেন্টলি জো পোস্ট নিকলা উসকা ডিটেলস। ইস তরহ সে অর ভি বহুত সারে জো কি পোস্ট হ্যায় আগার আপ চাহতে উস পোস্ট কে লিয়ে ভি অ্যাপ্লাই করনা, আপ লোগ ওয়ান বাই ওয়ান চেক করকে উস পোস্ট পোস্ট কে লিয়ে ভি অ্যাপ্লাই কর সকতে। তো আজকে ভিডিও ইয়াঁ পে খতম করতে হো, আগার আপ লোগ পছন্দ আয় প্লিজ লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করার মত ভুলিয়ে, কই ভি কনফিউশন এন্ড প্রবলেম হতা হয় তো আপ লোগ কমেন্ট করকে। ইসকে আলাদা মেয়া ফেসবুক টুইটার এন্ড ইনস্টাগ্রাম পেজ কে লিঙ্ক ভি নিচে দিয়া গায়া জিসকো আপ ফলো কর সকতে, আর কই ভি প্রবলেম হতা হয় তো আপ লোগ ওয়াঁসে যাকে ভি মেরেকো বোল সকতে হো। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, স্টে টিউন।